आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत से हमारे दर्शकों के कमेंट आने के बाद आज हम इस विषय में महादेव जी की दृढ़ भक्ति सभी को प्राप्त क्यों नहीं होती, यह जानने का प्रयास करेंगे। जीवन की विफलता से बड़ी और क्या हानि होगी? दुर्लभ मनुष्य तन पाकर भी हम उसकी महत्ता को वास्तविकता में समझ नहीं पाते हैं और अपने आप को नाना प्रकार के छल प्रपंच में उलझा रखते हैं। इस कारण से ही यह अमूल्य मनुष्य तन और इस मनुष्य तन को प्राप्त हुआ जो निर्धारित समय है, बहुत द्रुत गति से व्यतीत हो जाता है। फलस्वरूप हम जिस चक्र में फंसे थे और जिस चक्र से विमुक्त होने के लिए हमें मनुष्य तन मिला था, वह सब व्यर्थ हो जाता है। यह मात्र इसलिए है क्योंकि हमने स्वयं को कर्ता भोक्ता मानकर व्यर्थ के आडंबर में स्वयं को उलझा दिया। पहले कर्म किया, फिर उस कर्म में कर्ता भाव जागृत हुआ, फिर उससे जो उत्पन्न फल हुआ वह भी तो आपसे ही लिपटा हुआ रहेगा। जब कर्म आपने कर्ता भाव से किया तो फल भी तो आपको ही भुगतना होगा। इसीलिए तो तमाम शास्त्रों ने बार बार मुक्त कंठ से इस बात को कहा है कि मनुष्य को भरसक प्रयास करना चाहिए अपने कर्ता भोक्ता भाव को मिटाने के लिए। कर्ता भोक्ता भाव ही सभी समस्याओं की जड़ है। इसीलिए कहा भी गया है कि धर्म को न जान कर ही मनुष्य दुखी होता है और धर्म का सेवन करने से ही मनुष्य जन्म सफल होता है। ऐसा नहीं है कि यह बात आपको पहली बार बताई जा रही है। सभी मनुष्यों को यह बात पता है कि मनुष्य तन बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यंत दुर्लभ लक्ष्य भी इस मनुष्य तन से प्राप्त किया जा सकता है और मनुष्य मात्र को ही मुक्ति का अधिकार दिया गया है। ऐसा भी किसी शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया कि अमुक व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी और अमुक को नहीं मिलेगी। ना ही महिला पुरुष में कोई भेद किया गया है, ना ही जाति वर्ण का कोई भेद है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो मात्र मनुष्य होना ही आवश्यक है, इसके अतिरिक्त और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता ना होने के बावजूद भी लोग ईश्वर के पथ पर क्यों अग्रसर नहीं होते हैं, क्यों दृढ़ता से धर्म के मार्ग पर टिके नहीं रह पाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ दिन भक्ति करने के बाद धीरे धीरे लोगों में अश्रद्धा उत्पन्न होने लगती है? भले ही अश्रद्धा को प्रकट करें अथवा न करें, लेकिन आंतरिक दृष्टि से देखिए तो अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं जो बहुत उत्साह से भक्ति मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है। भले वह बाहर इसका प्रदर्शन न करें और अपनी अश्रद्धा को प्रकट न करें, उनके मन का उत्साह क्षीण हो चुका रहता है। और कहीं यदि आपकी पूजा पाठ साधना उपासना का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, फिर तो आपका विरोध चारों ओर से होगा, सभी दिशाओं से आपका विरोध होगा। और उस पर से भी यदि आप शिव भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान शिव से प्रेम करते हैं और उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो कौन कौन लोग आपके मार्ग में व्यवधान डालते हैं, इसका विधिवत वर्णन शिव गीता में किया गया है। तो आइए जानते हैं कि शिव गीता के प्रथम अध्याय में ही सूत जी क्या कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने यह शिव गीता व्यास जी से कही थी, फिर व्यास जी ने कृपा करके मुझसे कही। सूत जी को जब व्यास जी शिव गीता का ज्ञान दे रहे थे तो कहा भी कि तुम इस गीता को किसी को मत देना हे सूत पुत्र, ऐसा वचन पालन यदि तुम नहीं करोगे तो देवता आदि शोभित होकर आपको श्राप देंगे। मतलब यह कहा जा रहा है सूत जी से मुनि व्यास जी द्वारा कि जो यह शिव गीता का ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, इसे अपने तक ही रखना। यदि इसको प्रकाशित करोगे तो इसके प्रचार प्रसार से देवता नाराज हो जाते हैं, क्योंकि देवता नहीं चाहते कि शिव की भक्ति में आप संलग्न हो। यह मेरे वचन नहीं है, यह शिव गीता का श्लोक है। इस पर ध्यान दीजिए, देवताओं की इसमें क्या हानि है, उनका क्या नुकसान है जो वे देवता शिव जी की गीता का प्रचार प्रसार करने पर क्रोधित होंगे। यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले,
हे वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। भक्तगण नित्य अग्निहोत्र आदि करते हैं और गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उसके विधि विधान का पालन करते हैं। वही सब फलों के देने वाले देवताओं के लिए कामधेनु है। यानी देवता उन लोगों से बड़ी प्रीति करते हैं जो नित्य अग्निहोत्र कर्म करते हैं और गृहस्थ धर्म के सभी नियम आदि का पालन करते हैं। समय समय पर विभिन्न देवी देवताओं को भोग आदि देते रहते हैं। ऐसे लोगों को ही देवता जन कामधेनु के समान उपयोगी समझते हैं। आगे वर्णन है, भक्ष भोज्य पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया जाता है, यानी जो भी भोज्य पदार्थ देवताओं को यज्ञ आदि रूप में दिया जाता है, भवन की अग्नि में जो आहुति आदि दी जाती है, वह सब स्वर्ग में प्राप्त होती है। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति है, उसकी दुधारू गाय कोई चुरा ले जाए तो उसे कैसा दुख होता है, तो वैसा ही दुख देवताओं को होता है जब वे अपनी प्रीति और प्रसन्नता के लिए कार्य ना करके किसी अन्य देवी देवताओं को भजने लगते हैं। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, इसी कारण से किसी देहधारी की किसी शरीर की शिव में भक्ति नहीं हो पाती और इसी कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता। मूर्खों से यहाँ यह मतलब है कि वैसे व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के विरोध और अवरोधों के डर से अपना उत्साह खो बैठते हैं और शिव भक्ति को त्याग देते हैं, तो ऐसे लोगों को शिव का प्रसाद, उनकी कृपा नहीं मिल पाती है। जो कोई थोड़ा कुछ शिव जी के विषय में जानना चाह करता भी है तो वह किसी कारण मध्य में ही उस मार्ग को छोड़ जाता है, और अगर किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान हो भी गया तो वह पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता है। सूत जी की यह बातें सुनने के बाद समस्त ऋषिगण क्या बोलते हैं? सभी ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता ही शरीरधारियों मनुष्यों का विघ्न करते हैं और विरोध करते हैं, तो फिर किसमें इतनी शक्ति और पराक्रम है कि उनसे टक्कर लेकर मुक्ति प्राप्त कर सके। मतलब इंद्र आदि देवता यदि किसी का विरोध करने पर उतारू हो जाएं, तो भला उसका क्या सामर्थ्य है कि वह जीवन मुक्ति की ओर बढ़ सकेगा। इंद्र आदि देवता कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि आप तो उनके लिए एक दुधारू गाय के समान है जो आप हवन आदि कर्म करते हैं, तो उसी के धूम्र का पान तो ही देवता करते हैं। और आप अगर भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ गए तो भला इन देवी देवताओं को कौन तुष्ट करेगा, कौन संतुष्ट करेगा? यही कारण है कि वे आपका विभिन्न प्रकार से विरोध कराते हैं और उन माध्यमों से विरोध कराते हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी, आपके पिता आपका विरोध करने लग जाएंगे, आपकी माता, आपके भाई बंधु, आपके पुत्र, आपकी संतानें, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, ये सब आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। यह हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा भगवान शिव गीता का वर्णन है, उस आधार पर हम बता रहे हैं। वही प्रश्न यहाँ सूत जी से ऋषि गण कर रहे हैं कि जब देवता ही हमारा विरोध करने लगेंगे तो भला किसकी सामर्थ्य है कि उनसे पार पा सकेगा। तब सूत जी इसके उत्तर में बोलते हैं, करोड़ों जन्मों के संचित पुण्य जब उदय होते हैं तो शिवजी में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के उत्पन्न होने पर इष्ट पूर्त आदि कर्मों की कामना को छोड़कर, यानी मनोकामना की पूर्ति, यह देवता की पूजा, वह देवता की पूजा, इन सब छल प्रपंच को छोड़ देता है। ऐसा मनुष्य शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। अर्पण बुद्धि मतलब, शिव जी इस जगत के स्वामी हैं, मैं उनका बेमोल का गुलाम हूँ, दास हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, लाभ होगा तो मेरा मालिक जाने, नुकसान होगा तो मेरा मालिक जाने, अपने अस्तित्व का समामेलन नहीं किया जाता है। अपने लाभहानि की चिंता को छोड़कर जो शिव जी की भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है, उसे ही शिवा अर्पण बुद्धि से युक्त समझना चाहिए। अब आगे का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य देखिए, भगवान शिव जी की कृपा से
जब यह प्राणी यानी वह भक्त जिसकी भक्ति का उदय हुआ है वह दृढ़ भक्ति मान हो जाता है, तब विघ्न बाधाएं ये सब कुछ छोड़कर इंद्र आदि देवता भाग जाते हैं। उस भक्ति के करने से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। शिव जी के विभिन्न कथाचरित्रों आदि के श्रवण की इच्छा और अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसके सुनने और मनन करने से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसी ज्ञान से उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। जिसकी शिव जी में दृढ़ भक्ति हो गई, वह करोड़ों पापों से भी ग्रस्त हुआ हो तो भी आसानी से सलता से मुक्त हो जाता है। तो शिव गीता के इस प्रसंग से हमें क्या समझने को मिला? यही कि शिव भक्ति उसी को प्राप्त होती है जो समस्त आशाओं और भरोसे का त्याग करके एक महादेव जी के चरणों में ही विश्वास रखता है। जिनकी बुद्धि शाखाओं वाली है यह ध्यान रखिएगा, जो संतुलन बनाकर चलने वाले लोग हैं, थोड़ा सा भोग भी और थोड़ा सा योग भी, जो धन को बहुत महत्व देते हैं, जो बाहरी दिखावा आडंबर आदि करते हैं, शिव भक्ति उन्हें प्राप्त भी कैसे हो सकती है? तो पूरे वीडियो का मूल यही है कि दृढ़ इच्छा शक्ति ही और करोड़ों जन्म के जो हमारे पुण्य उदय होते हैं उसके फलस्वरूप ही दृढ़ शिव भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए हम आप सभी दर्शकों को पहले की वीडियोस में बता चुके हैं कि शिव जी को प्राप्त करने का मूल मंत्र यही है कि शिव जी से प्रेम हो जाए, क्योंकि वही एक ऐसी स्थिति है जहां आप हर प्रकार की विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें।